हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी सूवी। क्या हाल चाल है? अभी मैं घूमने जा रहा हूँ, तो घूमने जाने से पहले मैंने एक ट्रेलर देखा। ये है हिट 2 का ट्रेलर। हिट 1 तो आपने देखी थी, विश्वाक सेन की, और उसका जो रीमेक बना राजकुमार राव वाला, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। वो लोगों को इसलिए पसंद आई थी कि एक स्मार्ट पुलिस इंस्पेक्टर और अपनी किसी पुरानी हिस्ट्री की वजह से ऐसा शेकी कैरेक्टर हो जाता है और हमें शक हो जाता है और भरोसा उठना शुरू हो जाता है कि क्या ये केस सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और उसकी स्मार्टनेस जो होती है वो हमें सरप्राइज करती रहती है और अल्टीमेटली वो केस सॉल्व कर लेता है। अब यहाँ पर जो डायमेंशन उठाया गया है, जो मैंने अभी हिट 2 का देखा, यहाँ पर आपको अदिविशेष दिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। आपने इनको मेजर में देखा होगा और काफ़ी इमोशनल फिल्म थी यार वो। इसके अंदर उन्होंने जो डायमेंशन उठाई है, एक ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट इंस्पेक्टर की उठाई है जो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाएगा, बट एट द सेम टाइम ही इज स्टिल वेरी क्लेवर। तो क्या क्लेवरनेस जीतेगी या जीतेगा एक खूनी जो कि बैक टू बैक सीरियल किलर की तरह हरकतें कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब क्या इस तरीके की स्टोरी हमने पहले देखी है कि नहीं देखी है, तो मैं ये बोलूंगा स्टोरी में कुछ खास नया नहीं लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कैरेक्टर को, स्पेसिफिकली अदिविशेष को, जो उसको दिखाया गया कि वो स्मार्ट ओवर स्मार्ट की वजह से शायद कुछ क्लूज मिस करता चला जाएगा और क्राइम होता चला जाएगा और एंड में शायद क्योंकि वो हीरो है वो सॉल्व भी कर लेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो डायमेंशन है अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट स्टोरी का प्रेमाइस एक ऐसा नकाब पोश बंदा जो खून पे खून करे जा रहा है, वो हमने बहुत बार देख लिए है, OTT पे भी बहुत बार ये देख लिए है, तो कितनी ज्यादा एक्साइटिंग होगी ये पता नहीं। और जो हमने देखा अभी रिसेंटली कि अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि कातिल कौन है और तो सस्पेंस सारा जरा थोड़ा खत्म सा हो जाता है। इसी वजह से दृश्यम 2 ज्यादा चल गई क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कातिल कौन है लेकिन कातिल कैसे हैंडल करेगा वो एक एक्सपीरियंशियल चीज है जो आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं थिएटर में जाके, इसीलिए वो चल गई। अब ये कितनी सक्सेसफुल होगी ये तो हम जब 2 दिसंबर के आसपास ही आएगी तो अब हमें पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए जो ट्रेलर जिस तरीके से कटा है ये कह सकते हैं कि टीजर से बेटर है, ज़्यादा एक्सप्लेन करता है कि क्या सिचुएशन है और कितना बड़ा खतरा है और कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। जब कभी भी एक स्ट्रांग हीरो के अगेंस्ट स्ट्रांग विलन होता है, स्ट्रांग ओपोनेंट होता है, तब जो खेल है और गंभीर हो जाता है, हमें भी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है कि इसको डिफीट कैसे किया जाएगा। तो मोकैम्बो के सामने आपको बेहतरीन हीरो की जरूरत होती है और मोकैम्बो होगा तभी हीरो अपनी पावर दिखा के ग्रैंडर बनेगा। तो लेट्स सी इस सीरियल किलर के आगे अदिविशेष क्या कमाल दिखाते हैं, और डिफीट भी होगी और फिर बाजीगर बन के आगे भी आएंगे। थोड़ा स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल टाइप उस सेंस में तो है ही, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है इस मूवी को लेके, बट ऑल डिपेंड्स कि क्या नयापन ट्रीटमेंट, क्या बैक टू बैक हम सीट से ग्लूड रहेंगे, नई नई चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न आती रहेंगी, वो इसको ज़्यादा डिफाइन करेंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।